कहीं और ताल्लुक क्यों बनाए थे? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उसमें से दोस्ती कर लिया, अब ऐसे किसी के साथ नहीं करूँगी। मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है, अब मैं मर जाऊँ सारी ज़िंदगी को ना घूँ ऐसे नहीं मैं किसी के साथ करूँगी। प्लीज़ आप एक बार माफ़ कर दो। क्या नाम है? निमरा। निमरा, हाँ। निमरा कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल, हाँ। अभी थोड़ी देर पहले 16 साल थी, देवर कहता है 22 साल थी। निकाह दे 17 साल। 17 साल है, हाँ जी, निकाह। अच्छा, पसंद की शादी की थी? नहीं नहीं। क्या हुआ है? खामद अच्छा नहीं लगता था? अच्छा था। फिर क्या था? बातें शाते नहीं करता था? करता था। टाइम नहीं देता था? देता था। खर्चा देता था? हाँ जी। ध्यान रखता था? हाँ। मारता पीटता था? नहीं। क्या नाम था खामद का? अरसलान। अरसलान, ऊंची बोलो। अरसलान के साथ जिंदगी सही गुजरी? हाँ जी। कितना अरसा गुजरा शादी का? 1.5 साल। 1.5 साल। अल्लाह ने 2 माह का बेटा दिया? हाँ जी। किसने नाम रखा? मैंने खुद ही। बेटे का नाम तुमने खुद रखा? हमने दोनों डाल, दोनों ने मिल के रखा था। हाँ जी। अच्छा था शौहर के बुरा था? अच्छा था। क्यों कतल कराया? मैंने नहीं करवाया, हम दोनों भाई का फैमिला क्या था? दोनों भाई का फैसला था। इन दोनों भाइयों का क्या फैसला था? मेरी शादी से पहले भी लड़ते थे। तुम्हारी शादी से पहले लड़ते थे? हाँ। जब तुम्हारी शादी हुई तुमने देखा कि ये दोनों भाई लड़ते हैं आपस में? तो जब मैं आई थी इतना ये घर नहीं रहता, बट वो बाहर चले जाता साल साल, नहीं कहता मैं पहले घर आता, अपनी अम्मी को बताता था, अम्मी जी यही आपका लाडा है। तो मम्मी कहती हाँ यही लाडा, आप भी काम करो, आप भी लाडा बन जाओ। तो ऐसे होती बात, ये भाई जब इसको पता चला इसकी शादी हुई है, जे फिर जल्दी घर आता था, हर हफ्ते बाद महीने बाद घर आ जाता था। इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे करता था, मुझे बुलाता था, जाए कहता है हम रोटी दो, उसकी अम्मी भी थी रोटी दे आ करो, आपके लिए हमारी बहू उसको रोटी दे आ करो, सारा कम धोती थी रोटी पानी साहब को। फिर ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ मुलाकात कर ली, मुझे नहीं था पता ये क्या करना चाहता। कहाँ मुलाकात की? घर में। क्या कहता था? कुछ नहीं कहता, मेरे साथ दोस्ती कर लो। मैं क्यों कहता कर लो, मुझे तो बड़ी मरतबा की आप, तो मैंने की फिर चला गया ये। तुमने अपने शौहर को नहीं बताया कि ये मुझे ऐसे कह रहा है आपका भाई? क्यों? मैं बताऊँगी, पहले इसको देख लो क्या करता है। अच्छा, हाँ जी। फिर ये बात चला गया फैसला बाद, फिर आ गया हफ्ते महीने बाद घर, जब रोजे थी घर आया, फिर महीना रह के गया, फिर इसने मुझे बुलाया नहीं था इतना, फिर ये बुलाने लग पे जब इसका जाने। क्या कहता था तुम्हें? कहता मेरे साथ दोस्ती कर लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। नाम लेता था? हाँ। बेटा कहता था, भाभी कहता था, क्या कहता था? पहले पापी कहता था, फिर नाम नहीं था लेता। जब मेरा शौहर उसके सामने पापी कहता था, जब वो काम पे चला जाता था फिर मुझे ऐसे पापी कहता। फिर क्या कहता था? फिर मेरा नाम लेता था। निमरा कहता था? हाँ। तुमने मना नहीं किया? किया था, फिर मैं चुप कर आ रही थी। जब घर आता मुलाकात कहाँ होती थी दोनों की? घर में। इसके अलावा फरुखाबाद? एक मरतबा फरुखाबाद। दो मरतबा या एक मरतबा? एक मरतबा। उसने तो बताया है 2-3 मरतबा। 2-3 मरतबा नहीं है। फरुखाबाद कहाँ मुलाकात हुई थी? फरुखाबाद से नहरों पे। नहरों? नहर पे? हाँ। किसी का घर था? नहीं। हाँ। बाहर वैसे घर ले बात की थी। अच्छा, गलत काम कहाँ किया था? घर में। घर पे? किसके घर पे? अपने घर में। इन्हीं के घर पे? शौहर के घर पे? हाँ। क्यों, शौहर नहीं था तुम्हारा? है था। फिर क्या मसला था तुम्हें? इसने जान के मैं जबरदस्ती करता था। तो शौहर को बता देती जाके, क्यों नहीं बताया? उसकी अम्मी को मैंने बताया था, वो कहती कोई बात नहीं है। मेरे शौहर को नहीं बताया, उसकी अम्मी को बताया? देवर को मना नहीं किया? उसने कहा चलो ठीक है जबरदस्ती कर लो, है ना? क्यों से दे अम्मी? शादीशुदा एक बच्चे की माँ हो तुम, अब तुम यहाँ मासूम बन के खड़ी हो गई हो। घर पे मुलाकातें होती थी गलत किस्म की? हाँ, जो ना वो बता। तुम्हें नहीं पता कि खामत से मिलना है या देवर से मिलना है या भाई से मिलना है? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता इस बात का? शादी करते हुए माँ बाप ने समझाया था खामत क्या होता है, भाई क्या होता है, ससुर क्या होता है, या नहीं बताया? बताया था? क्या बताया था? मम्मी कहते थे जो होता शोहर होता वही होता है। वही होता है? हाँ। तो फिर तुमने क्या, तुमने देवर को बना लिया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। हाँ। इसने खुद ही मेरा कहता था। फिर कत्ल करने का मंसूबा कैसे बनाया है? कत्ल करने में जब गई थी ना फरुखाबाद में, जब उसने मुझे बुलाया कहता आप चिल्लाना आती हो तो मुझे बेटा दिखा के जाओ अपना,
तो मैं पहले सोचा मैं नहीं आ सकती, कहता आओ, तो मैं चली गई उधर। इसने कहा कोई बात, होटल में बैठे ऐसे, इसने शवारमा खिलाया, दिखा लिया मैंने। तो उसने बेटा देखा दुखा, उसने कहा कि नशे गोलियां ले लो। मैंने क्यों, कहता पकड़ो सही, मैंने पकड़ ली। कहता इसको, मैं क्या, करूँ उसका। कहता या आपने जाके अली को देनी है, मेरे अबू अम्मी को देनी है। मैं उस दिन घर आऊँगा, फिर मैं सुबह से मैं अपनी अम्मी को सुलह भी करूँगा, तो मैं आपका बेटा फिर देखूँगा सही तरीके से। मैं क्या, चलो ठीक है, मैं इतनी देर से बैठी, मैं बात कैसे मैं सुनी, चले गई गोलियाँ लेनी। हाँ जी, फिर मैं हफ्ते बाद कहता था मेरे अम्मी अबू को भी खिलाओ और अपने मियाँ को भी खिलाओ, तीनों को। इसने कहा था। तुमने फिर किस किस को खिलाई है? मैंने तीनों को खिला दी। तीनों को खिला दी थी, तीनों सो गए। हाँ, फिर ये जब 9 बजे ये फोन आया इसका, कहता मैं घर आ रहा हूँ। मैंने मना किया, मैं क्या क्यों, कहता वैसे ही। मैं कहा चलो आ जाओ। आ गया घर में, सीधा छत में चला गया, थे छत में, मुझे भी लेगा। मैं सब बातें की, मैं क्या बातें की, कहता मैं, कहता मैं वैसे ही आया हूँ, ये वैसे बातें, बेटा बहुत प्यारा है आपसे, कहता रह गया मुझे। तो मैं कहा चलो ठीक है, मुझे नहीं पता ये कत्ल करने में क्या या क्या करने आया। जो सा इसका बस्ता था ना, इसने मुझे बस्ता भी नहीं दिखाया, इसने बस्ता पहले का दिया था। फिर मैं छत में ही रह गई, ये नीचे आया, कहता मैं जा रहा हूँ। तो मैं कहा चल जाओ, मैं छत में ये नीचे आया, जब ये मुझे पता ये कतर का भाग गया या कैसे इसने किया बात। फिर ये भाग गया। हाँ जी। फिर तुमने इसे ये नहीं पूछा कि ये गोलियां किस चीज़ की हैं, मैं क्यों खिलाऊं? मैं पूछियां थी, कहता हाँ। आप दे दो बस, जाके दे दो। मैं तो तुमने ये बात अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताई, अपनी सास को क्यों नहीं बताई? ये तो अपनी सास को तुमने बताया है कि आपका बेटा मेरे साथ गलत काम करता है, बताया था ना, तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि ये कहता है गोलियां खिला दो सारों को? मेरा मियाँ कहते मैं आपको तलाक दे दूंगा, इसलिए मैं डरती थी। मियाँ कहता था, मियाँ को तो पता ही नहीं है। मैं तलाक में से लेना चाहती, मियाँ को तो पता ही नहीं था। नहीं, उसको ये पता था, ये मेरा भाई इसके पीछे पड़ा है, ये पता था मियाँ को? हाँ जी। अच्छा, उसको पता था, ये भी पता था कि तुम मुझसे चोरी चोरी फोन पे बातें करती हो, तो गलत काम करती हो, ये पता था मियाँ को? हाँ जी। मियाँ को पता था, मना करता था मियाँ? हैं, क्या कहता था? कहता निम्रा छोड़ दो मेरे साथ जिंदगी गुजार, मैं क्या अच्छी, कहना मैं आपको तलाक दे दूँगा। मैं तलाक नहीं ले ली आप। फिर मैंने उसको छोड़ा था, फिर इसने मेरे अब्बू, मैं उधर गई, मेरे अब्बू ये कत्ल करके फिर भाग गया। कौन? देवर तुम्हारा। ये चला गया था घर। फिर तुम कब आई नीचे? नीचे मैं आई थी, मेरा बेटा सो गया, फिर आई थी मैं। फिर आगे क्या देखा? ये वो जो मेरा मियाँ था ना, वो तरफ रहा था, मैं उससे अपने सोरे को उठाया, वो मेरे साथ मैं लड़ा भी था। मियाँ मियाँ तड़प रहा था। हाँ जी, फोवर चल के बाहर में आ रहा। कौन? दरवाजा, मेरा मियाँ, जिस दरवाजे में गिर गया। हाँ। फिर मैं जो ससुरा कहता, इसने खुद ही फेरी, आपके साथ लड़ा था वो, वे मेरे साथ लड़ा भी सी, कहता लड़ा आपके से खुद ही किया, आप जेल में जाओगी, आप ये वो। फिर मैं डरती रह गई, फिर इसलिए मैं इसका नाम ही लगाया। जब मुझे इधर आई, मुझे ये मारते, फिर मैंने सच्ची बात बताई। कौन मारते? ये पुलिस वाले। अच्छा। फिर मैंने सच्ची बात बताई। तुम्हारा खामत तुम्हें रोटी दे रहा है, तुम्हारा खामत तुम्हें घर पे रख रहा है, तुम्हारा खामत तुम्हें संभाल रहा है, अल्लाह ने तुम्हारे घर रहमत की है, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, नेमत दी है अल्लाह ने इतनी बड़ी, तुमने उसी बंदे को पकड़ के काम खत्म करा दिया। मैंने नहीं किया। तो फिर कहीं और ताल्लुक क्यों बनाए थे? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उसमें इसका दोस्ती कर लिया, अब ऐसे किसी के साथ नहीं करूँगी, मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है, अब मैं मर जाऊँ सारी ज़िंदगी में ऐसे नहीं मैं किसी के साथ करूँगी। बस मैं अपना शोहर नहीं मारा, मैं अपने सास ससुर से भी माफ़ी मांगूँगी, वो भी मुझे माफ़ कर दे। बेटा याद आता है? जाग के आई, मैं रोटी नहीं सही तरीके से खाई। याद आता है बेटा? मुझे एक बार मैं माफ कर दो, प्लीज आप एक बार माफ कर दो।